हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 2, जो कि है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। और अगर आपने चैप्टर 1 अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 2 में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें टोटल 5 टॉपिक्स पढ़नी है, और सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत, यानी कि GAAP। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत किसे कहते हैं। तो देखिए, सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत यानी कि GAAP को समझने के लिए सबसे पहले हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमें इसे समझना आसान हो। तो पहला है सामान्यतः मान्य प्लस लेखांकन सिद्धांत। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेखांकन सिद्धांत क्या होते हैं। तो वे नियम या कानून जिनके आधार पर लेखांकन का कार्य किया जाता है। लेखांकन का कार्य क्या होता है कि व्यवसाय के जो भी दिन भर के लेन देन, व्यवहार, सौदे होते हैं, उनको एक निश्चित पुस्तकों में लिखना, ठीक है। तो ये कार्य होता है लेखांकन। तो ये जो लेखांकन कार्य है, जिस नियम या कानून या शर्त जो भी हो उसके आधार पर किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं लेखांकन सिद्धांत। अब सामान्यतः मान्य का मतलब क्या हुआ कि सभी के द्वारा स्वीकार करने योग्य, यानी कि ऐसे सिद्धांत जो कि सभी के द्वारा स्वीकार किए जाएं। तो इस आधार पे वे नियम अथवा कानून अथवा मान्यताएं जिनके आधार पर लेखांकन का कार्य किया जाता है, तथा जो लेखांकन में हित रखने वाले सभी पक्षकारों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार्य होती हैं, उन्हें सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेखांकन का कार्य करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं कि इन नियमों के आधार पर लेखांकन का कार्य किया जाता है। तो जो नियम और कानून बनाए गए हैं, उन नियम और कानून को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो सामान्यतः सभी व्यवसाय में, सभी जो भी लेखांकन में हित रखने वाले पक्षकार, यानी कि जिनको लेखांकन से कोई भी उपयोगी सूचना प्राप्त होती है, उन सभी पक्षकारों द्वारा स्वीकार की जाती हैं, वो सिद्धांत जो है वो सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं, ठीक। सिंपल सा मतलब है कि लेखांकन का कार्य जिस भी नियम कानून के आधार पर होता है, वो नियम कानून जब सभी के द्वारा सामान्यतः स्वीकार किया जाए, तो वे सिद्धांत क्या है, लेखांकन के सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं। अब इस सिद्धांत में कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये सिद्धांत स्थिर प्रकृति के नहीं होते, व्यवसाय की सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक आवश्यकताओं के आधार पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, ये जो सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत हैं, वो लगभग ऐसे बनाए जाते हैं कि इनको लगभग सभी व्यवसायों में आसान तरीके से इनका पालन किया जा सके। लेकिन क्योंकि जो हर व्यवसाय की जो सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक आवश्यकता होती है, वो थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है, तो इन सिद्धांतों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो सिद्धांत जो है वो व्यवसाय के आवश्यकता के आधार पर थोड़े बहुत परिवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि इन्हें संकल्पनाएं, परिपाटी या स्वयं सिद्ध या मान्यताएं आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।